बिस्मा खान मेरे साथ, बेस्ट वुमेन एथलीट 2003 नेशनल गेम्स 34वें जो हुए। बिस्मा, 8 के 8 गोल्ड, और आपकी फैमिली ने ये बेतहाशा गोल्ड लिए हैं क्योंकि आपकी बड़ी बहन किरण वो भी स्विमर रहीं। किस तरह देख रही हैं इन इवेंट्स को और इन मेडल्स को? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी खुशी हो रही है कि 8 गोल्ड मेडल मैंने अपने नाम किए हैं इस नेशनल गेम्स में, और ओवरऑल बड़ी खुशी कि हमारी पूरी टीम आर्मी ओवरऑल गेम्स जीती हैं, और इसका यही हमारा मेन पॉइंट यही था आर्मी का, नेशनल गेम्स के ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स उठाएँ। और सारी स्पोर्ट्स ने बहुत मेहनत की है मेडल कलेक्ट करने में और उठाने में, किसी ने एवरीवन गेव देयर बेस्ट, और काफ़ी खुशी हो रही है। और काफ़ी ये है कि सारे जो आर्मी के मैनेजर्स थे, ऑफिशल्स थे, उन्होंने ट्राई देयर लेवल बेस्ट के वो सबसे ज़्यादा जहाँ से भी मर्जी जैसे मेडल उठाए हम उठाने, क्योंकि हमें वी वॉन्टेड दिस ट्रॉफी, तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। बिल्कुल, बहुत मेहनत है, जभी तो ये मेडल नज़र आ रहे हैं। बिस्मा, आगे एशियन गेम्स आ रहे हैं, फिर ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर हैं, साउथ एशियन गेम्स भी होने वाले हैं, तैयारी किस तरह देख रही हैं अपनी, क्या और आप चाहती हैं कि डिमांड है आपकी, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, विच इज़ द क्वालिफिकेशन राउंड फॉर द पैरिस ओलंपिक्स। ऑलरेडी मैं टोक्यो ओलंपिक्स में लगा चुकी हूँ, ये मेरी दूसरी ओलंपिक्स होगी अगर मैं मेक कर जाती हूँ, और फिर आके एशियन गेम्स और साउथ एशियन गेम्स हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने होस्ट करनी, तो हमारा सबसे ज़्यादा ये है कि पाकिस्तान, जैसे हम नेशनल गेमों में मेडल उठाएं, वैसे ही पाकिस्तान अगर साउथ एशियन गेम्स होस्ट करें तो हमारा ये सबसे ज़्यादा कोशिश है कि सबसे ज़्यादा मेडल हम एज अ कंट्री भी उठाएँ। और उसके लिए ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, नॉट इन जस्ट स्विमिंग, इन सारी स्पोर्ट्स, सारा उनको पैसा लगाना पड़ेगा, फंडिंग करनी पड़ेगी, तभी मेडल आएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, 34वें नेशनल गेम्स के अंदर वुमेन्स एथलीट बहुत ज़्यादा नज़र आई, चाहे स्विमिंग हो, कोई खेल हो, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी और वुमेन्स प्लेयर्स को कि वो किस तरह आगे आए? नॉट जस्ट स्विमिंग, बाकी आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स हो गई, बैडमिंटन हो गई, आर्मी ने काफ़ी और ओवरऑल लड़कियों ने काफ़ी मेडल उठाए हैं, और आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग, लड़कियों को करनी चाहिए, ज़रा ये पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज है, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान को बहुत ही कंजर्वेटिव कंट्री माना जाता है कि वहाँ पे औरतों को ये करने के लिए अलाउ नहीं, वो करने के लिए अलाउ नहीं, तो आई थिंक बहुत सारी और लड़कियाँ ऑलरेडी कर रही हैं, और वुमेन शुड बी इन स्पोर्ट्स, ताकि ओवरऑल दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से अच्छा पॉजिटिव। बहुत शुक्रिया बिस्मा।